Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. In today's video, we will be covering the topic accounting ratios. So let's start. So guys, first of all, what exactly accounting ratios is और ये chapter हमारा क्यों बना है? ठीक है? तो मैं तुम्हें just एक brief बताता हूँ, उसके बाद we'll start with all the ratios. तो accounting ratio chapter बनने के पीछे जो reason था, that was कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन सम बिजनेस और बैंक ने ये चेक करना है कि विल यू बी एबल टू रीपे दी लोन, या फिर अगर मुझे किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं एंड आई हैव टू कंपनीज तो विच कंपनी इज बेटर. तो ऐसी चीज़ों के लिए, ये चीज़ कंपेरिजन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारा ये चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज बना है. क्योंकि बैलेंस शीट से, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से व्हाट यू कैन फाइंड इज, बैलेंस शीट से तुम्हें ये मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, दैट्स इट. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें कंपनी की वर्किंग के बारे में पता चलता है, कंपनी के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के करंट एसेट्स कम हैं और कंपनी की करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, सो उस चीज़ का मतलब क्या होगा? उस चीज़ का मतलब होगा कि कंपनी को मार्केट से पैसा कम आना है और मार्केट में पैसा देना ज़्यादा है. इफ़ करंट लाइबिलिटीज आर मोर, दैट मीन्स पैसा ज़्यादा देना है, एंड इफ करंट एसेट्स आर लेस, दैट मीन्स पैसा कम आना है. सो चाहे उसके प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन वो कंपनी को एक बहुत अच्छी कंपनी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसको कम पैसे आने हैं और ज़्यादा पैसे उसको मार्केट में देने हैं. इस वजह से वी कैलकुलेट अकाउंटिंग रेशियोज टू फाइंड आउट विच कंपनी इज बेटर, या हमारी कंपनी बेटर है कि नहीं. ठीक है? तो अकाउंटिंग रेशियोज में हमारे देर आर फोर टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, या फोर टाइप ऑफ रेशियोज. फर्स्ट रेशो इज लिक्विडिटी रेशो, सेकेंड रेशो इज सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड रेशो इज एक्टिविटी रेशो, एंड फोर्थ रेशो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. इन हेडिंग्स के अंदर अलग अलग रेशोज आती है, वो हम एक एक करके करेंगे. सबसे पहले मैं तुम्हारे को इसका एक बेस पॉइंट बता दूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज जिससे तुम्हारे चैप्टर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. ठीक है? तो इफ यू रिमेंबर, हम एक बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर ये बैलेंस शीट तुम ठीक से समझ गए तो रेशियोज के क्वेश्चंस में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, रेशियोज का चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम ये बैलेंस शीट बना के अपने आंसर निकाल सकते हो. ठीक है? तो दिस इज लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट. ठीक है? अब ध्यान से देखना गाइस, सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, अगर एक चैप्टर हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जो तुम्हारा 12th में है, वो शायद अभी तुमने नहीं करा, और अगर कर लिया तो दैट इज बेटर. सो लायबिलिटी साइड में हमारी तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट हेडिंग जो हमारी होती है वो होती है इक्विटी, और इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड. फर्स्ट जो हमारी मेजर हेडिंग होती है दैट इज इक्विटी, और इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड. इसके अंदर क्या क्या आएगा हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमारी आती हैं इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड में. इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है यहां पे, दैट इज हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज. सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज. अब नॉन करंट लायबिलिटीज बेसिकली कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, जो बेसिकली वी हैव टू पे आफ्टर 12 मंथ्स, जो विद इन 12 मंथ्स हमें नहीं पे करनी. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हो सकती है इसमें डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एक्सेट्रा. ठीक है? और उसके बाद जो थर्ड हेडिंग आती है हमारी लायबिलिटी साइड, दैट इज
करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती थी गाइस? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पे, विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में हमें पे करनी होती है। सो करंट लायबिलिटी के अंदर हमारा आ जाएगा ट्रेड पेबल। ये पूरी डिटेल में यू विल गेट टू नो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, वहां से तुम्हें सारा डिटेल में मिल जाएगा। बट अभी के लिए मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे को एटलीस्ट जो हेडिंग इस चैप्टर में यूज होगी वो वाले सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा ट्रेड पेबल के बाद, जस्ट वन सेकेंड गाइस, ट्रेड पेबल तुम्हारा हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एक्सपेंसेस पेबल एक्सेट्रा, ये आ जाएंगी तुम्हारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में हमारी ये तीन चीजें ही आती है, जो तीन मेन चीजें हैं, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड जिसको बोलते हैं, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी एंड थर्ड इज करंट लायबिलिटी। और उसके बाद एसेट साइड में हमारा आता है नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म जो मेरे एसेट्स होते हैं दैट आई एम कीपिंग माई सेल्फ फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट मैंने किसी कंपनी में, कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए हैं, मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म, वो सारा आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स में। तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे मेरे फिक्स एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, एंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी लॉन्ग टर्म जो है वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आएगा नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में गाइस हमारे क्या क्या आ जाएंगे? वो वाले एसेट्स जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दोज आर लाइक विद इन फॉर 12 मंथ्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज लाइक स्टॉक। ठीक है, तो दीज आर काइंड ऑफ हमारे करंट एसेट्स। और उसके बाद हमारा बैलेंस शीट का टोटल होता है, एंड वी नो कि बैलेंस शीट्स टोटल ऑलवेज मैचेस, जो टोटल है ये हमेशा मैच करता है। ठीक है, सो ये हमारा एक थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। ऑल दो जो तुम्हारी 12th में बैलेंस शीट बनेगी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, बट ये एक डिटेल फॉर्मेट है फॉर दिस चैप्टर, जिससे तुम्हारा चैप्टर इजी हो जाएगा। हेडिंग सारी यही है, सिर्फ उसमें फॉर्मेटिंग में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं बताता हूं कि रेशियोज चैप्टर के लिए ये बैलेंस शीट कैसे यूज हो सकती है। ठीक है, देखना गाइस। सो मैं दोबारा से यहां पे बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो ये, इसको मैं बोल सकता हूं ये काइंड ऑफ डिटेल्ड है एंड दिस इज शॉर्ट। अब शॉर्ट में मैं गाइस ये सेम बैलेंस शीट यहां पे बना रहा हूं। अब ये बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं तुम्हारे को कुछ चीजें बताऊंगा दैट यू हैव टू रिमेंबर। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सो द थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज, आई राइट ऑल द हेडिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले हमारा आता है इक्विटी और इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। उसके बाद हमारा आता है नॉन करंट लायबिलिटी और शॉर्ट में इसको मैं NCL बोल देता हूं। और थर्ड हमारा आ जाएगा
करंट लायबिलिटीज, और इसको आई कैन से सीएल। ठीक है, सो हमारा हो गया इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, और एसेट साइड में हमारा आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, या इसको मैं बोल सकता हूं एनसीए एंड करंट एसेट्स सीए। ये मैंने एक तरह से शॉर्ट फॉर्म निकाल दी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, एंड ये हमारा होता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज, अब इसको मैं बोल सकता हूं टोटल ऑफ लायबिलिटी और टोटल ऑफ एसेट। मैं इसको टोटल ऑफ लायबिलिटी या टोटल ऑफ एसेट दोनों बोल सकता हूं, क्योंकि हमारा दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच करता है। अब चाहे मैं लेफ्ट साइड वाले को बोल दूं टोटल एसेट, चाहे राइट साइड वाले को बोल दूं टोटल लायबिलिटी, दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच करता है। और जैसे ये टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट है, वैसी वैल्यू हमारी यहां आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे फॉर्मुलेज हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। ये फॉर्मुलेज ऐसे कहीं बुक में गिवन नहीं है, बट ये फॉर्मुलेज काफी क्वेश्चंस में तुम्हें मिलेंगे एंड दे विल हेल्प। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहली चीज जो हमारी होती है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं तुम्हें वैसे फॉर्मूले रटवाऊंगा तो ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, तो बेटर है मैं तुम्हारे को इस बैलेंस शीट्स के थ्रू बताता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होता है। सो गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इन दोनों का जो मेरा टोटल होगा दैट विल बी माय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्या बन गया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, में यहां से रब कर देता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड या इक्विटी या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। सो कहीं भी अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा क्या होगा, दैट शुड बी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है गाइस, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। इसके बाद जो सेकेंड फॉर्मूला हमारा बनता है, कॉमन फॉर्मूला, वो हमारा है टोटल डेट्स। अब टोटल डेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट का फॉर्मूला होता है ये। सो टोटल डेट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डेट। सो कहीं भी अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि टोटल डेट, सो दैट विल बी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, अगर तुम्हारे को खाली लिखा हो, इफ ओनली डेट इज रिटन, इफ ओनली डेट इज रिटन, टोटल ना लिखा हो, देन इट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हमारे को खाली डेट लिखा हो तो दैट विल बी नॉन करंट लायबिलिटी। सो कई बार क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, हमें टोटल डेट दिया होता है और डेट दिया होता है। अब हमें समझ ही नहीं आता कि टोटल डेट क्या और डेट क्या है। सो अगर टोटल डेट हमें दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है, दैट मींस हमें नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटी हमें गिवन है। सो यहां से वी कैन फाइंड आउट अवर करंट लायबिलिटीज। समझ आया गाइस, सो टोटल डेट इज नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, एंड इफ ओनली डेट इज रिटन डेट दैट विल बी नॉन करंट लायबिलिटी ओनली। ठीक है, ये गाइस क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेट इज नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, एंड खाली डेट लिखा हो सो दैट विल बी अवर नॉन करंट लायबिलिटी ओनली। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और फॉर्मूला बनता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है गाइज, सो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला या ये चार्ट इसलिए बता रहा हूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे को जैसे मान लो इक्विटी नहीं गिवन, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं गिवन, सिर्फ करंट लायबिलिटी गिवन है और तुम्हारे को नॉन करंट एसेट और करंट एसेट गिवन है, सो इन दिस केस अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो तुम कैसे निकालोगे? ना इक्विटी शेयर होल्डर फंड गिवन है ना नॉन करंट लायबिलिटी, सो व्हाट हाउ वी कैन फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल निकाल लेंगे, वी विल फाइंड आउट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और टोटल ऑफ बैलेंस शीट निकालने के बाद हम उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट निकालने के बाद करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे और हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हमारा एक गाइस शॉर्ट में ये बैलेंस शीट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे को डाउट है जहां पे काफी सारी बैलेंस शीट की फिगर्स गिवन हो, सो बेटर आई वुड से इज के वर्किंग नोट में या रफ में ये बैलेंस शीट बना लो और यहां से जो भी मिसिंग फिगर्स तुम्हारी हैं या कुछ भी चीजें हैं वो यहां से यू विल बी एबल टू गेट इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी रेशोस। तो फर्स्ट रेशो जो हमारी आती है गाइस, द वेरी फर्स्ट रेशो दैट वी आर डूइंग, हेडिंग जो हमारी थी दैट वॉज लिक्विडिटी रेशोस, जो सबसे पहली रेशोस थी हमारी दैट वॉज लिक्विडिटी रेशोस। अब लिक्विडिटी रेशो में जो हमारी फर्स्ट रेशो आती है, या मैं यहां पे इसको हटा के यहां पे वन करता हूं, फर्स्ट रेशो जो हमारी आती है दैट इज करंट रेशो, एंड करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है गाइस दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं उसको हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा करंट रेशियो। ठीक है, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक चीज और, जो आइडल रेशियो मानी जाती है और इसको जो भी हमारी वैल्यू आएगी वी विल राइट इज, जो भी हमारी वैल्यू आएगी इज टू वन, इस तरह से वी विल डिनोट इट, जो भी हमारा आंसर आएगा चाहे पॉइंट्स में भी आए वी विल राइट दैट वैल्यू हेयर, वी विल राइट दैट वैल्यू हेयर इज टू वन, दिस इज हाउ वी राइट दिस रेशो। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज लूज टूल्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो लूज टूल्स हमारे होते हैं वो हमारे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं माना जाता, तो अगर क्वेश्चन में हमारे को लूज टूल्स गिवन है और हमारे को इन्वेंट्री गिवन है एंड लिखा हुआ है कि लूज टूल्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, तो हम इन्वेंट्री में से उस लूज टूल्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि लूज टूल्स आर नॉट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। नॉर्मली लूज टूल्स को हम अपना इन्वेंट्री में ही काउंट करते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियोज हम लूज टूल्स को इन्वेंट्री में से हटा देंगे। सो ये होता है हमारा गाइस करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और जो आइडल रेशो मानी जाती है जो कंपनी के लिए कहते हैं दैट इज 2:1, मतलब 2 और मोर देन 2, जितनी 2 से ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेटर मानी जाएगी। सो 2:1 मीन्स के करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी से डबल है, तो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा बेटर माने जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो हमारी सेकंड रेशो आती है, सेकंड रेशो दैट इज क्विक रेशो, और इसको हम बोलते हैं एसिड, मैं ठीक से लिख देता हूं, एसिड टेस्ट रेशो, सेकेंड रेशो इज क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, द फॉर्मूला इज क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसको भी जो भी हमारी वैल्यू आएगी विल डिनोटेड लाइक दिस इज टू वन, और जो आइडल मानी जाती है ये है 1:1। ठीक है,
अब क्विक रेशियो में करंट लाइबिलिटीज हम सबको पता है क्या होती है, सो क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. ये होते हैं हमारे क्विक एसेट्स. अब मैं तुम्हारे को इन दोनों रेशियोज का लॉजिक बताता हूँ कि रेशियो बनी क्यों है. सो ये रेशियोज का, लेट्स से सबसे पहले हमारी करंट रेशियो के बनने का जो हमारा रीजन है, दैट इज टू फाइंड आउट कि इन केस अगर हम अपने एसेट्स करंट एसेट्स सारे निकालते हैं और अमाउंट लोगों से लेते हैं तो, और करंट लाइबिलिटी हमें पे ऑफ करनी है, तो हमारे पास कितना अमाउंट है और करंट लाइबिलिटी हम कितनी पे कर सकते हैं. सो करंट रेशियो 2:1 आइडल इसलिए मानी जाती है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो 2 टाइम्स हैं लाइबिलिटी के. सो दैट मीन्स कि अगर हमें 100 रुपये लोगों को देने हैं तो 200 रुपये हमें आने हैं. सो दैट्स वाई ये हमारा होता है करंट रेशियो. अब क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो का मतलब होता है कि कितनी जल्दी मैं लोगों से कैश निकलवा सकता हूँ. सो करंट एसेट्स तो टोटल एसेट्स मेरे होते हैं, टोटल करंट एसेट. क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इन टू कैश, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, डेटर्स ट्रेड पेबल, मैं उनको बोल सकता हूँ मेरे को पैसे दो, अभी पैसे दो, उनको देने पड़ेंगे, ठीक है. सो दोज आर क्विक एसेट. वाई हमने करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया. सो गाइस इन्वेंट्री क्या होता है, हमारा स्टॉक. सो स्टॉक को बेचना हमारे हाथ में पूरा 100% नहीं है. अगर मार्केट में चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉक नहीं बिकेगा, है ना, तो हम इन्वेंट्री को इतना जल्दी नहीं बेच सकते. ऑल दो वो 3, 4, 5 महीने में बिक जाएगी, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा अभी की अभी बिक जाए. तो इसलिए हमने इन्वेंट्री को यहाँ से माइनस कर दिया, बिकॉज दैट इज नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इन टू कैश. सेम वे प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अगले साल के एक्सपेंसेस जो हमने अभी पे कर दिए, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस. अब प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑल दो इट इज योर करंट एसेट, बट क्या हम उसको प्रीपेड इंश्योरेंस के अगेंस्ट हम कैश ले सकते हैं? हम क्या उनको बोल सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि हमने अगले साल की इंश्योरेंस भी पे कर दी, अब वो अमाउंट हमें रिफंड कर दो, आधे साल का रिफंड कर दो? नहीं बोल सकते ना. दैट्स वाई दीज टू एक्सपेंसिज आर रिड्यूस्ड फ्रॉम करंट एसेट टू फाइंड आउट क्विक एसेट. सो क्विक एसेट का क्रक्स क्या बना, जो बहुत ही इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं. ठीक है गाइस, सो ये हमारी होती है लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज के बाद जो हमारी नेक्स्ट रेशियोज आती है गाइस, वो हमारी आती है सॉल्वेंसी रेशियोज. ऐसे में सारी रेशियोज करा के सारे फॉर्मुलेस इस वीडियो में करा दूंगा. तो जब तुम क्वेश्चंस करोगे, कोई डाउट आएगा, आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें कि हाउ टू डू क्वेश्चंस. ठीक है, चलो अब आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो में जो सबसे पहली रेशियो हमारी होती है वो होती है डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो. अब डेट टू इक्विटी रेशियो में तुम्हारे को मैंने बताया था डेट क्या होती थी, अभी मैंने पिछले फॉर्मूले में बताया था बैलेंस शीट में. व्हाट इज डेट? डेट इज नॉन करंट लायबिलिटी. सो ठीक है, सो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी. फॉर्मूला विल बी डेट अपॉन इक्विटी. डेट क्या हो जाएगी हमारी, नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डेट अपॉन इक्विटी, डेट इज ओनली नॉन करंट लाइबिलिटी क्योंकि खाली डेट लिखा हुआ है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, और ये भी जो भी वैल्यू आएगी वो इज टू वन में लिखेंगे. वॉट एवर द वैल्यू विल बी विल राइट इन इज टू वन. ठीक है, सेकेंड रेशियो जो हमारी होती है सॉल्वेंसी रेशियो, दैट इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो. दैट इज टोटल एसेट्स
टू डेट। तो यहां पे तुम एक चीज याद कर सकते हो कि टू के बाद जो भी लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा और टू से पहले जो भी लिखा हुआ है वो न्यूमिनेटर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। क्या बन गया, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। सो टोटल एसेट हमें पता है बैलेंस शीट का टोटल, या तो लाइबिलिटी साइड का या एसेट साइड का, दोनों का सेम होता है। और डेट हमें पता है क्या होता है, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। सो यहां पे आई कैन राइट टोटल ऑफ बैलेंस शीट एनी साइड और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और ये भी सेम इस टू वन में आएगी। ठीक है गाइस, थर्ड रेशो जो हमारी होती है, थर्ड रेशो इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, और इस रेशो को हम बोलते हैं इक्विटी टू टोटल एसेट्स। तो आई थिंक कि इस चीज से, इक्विटी टू टोटल एसेट से तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या चीज हमने डिनोमिनेटर में लिखनी है और क्या चीज न्यूमरेटर में। सो इक्विटी टू टोटल एसेट्स, सो दैट मींस इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहां पे इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड्स, और टोटल एसेट्स हमारा हो जाएगा वही सेम टोटल ऑफ बैलेंस शीट एनी साइड। ठीक है, और ये भी हम दिस इज टू वन में लिखेंगे। ठीक है गाइस, सो ये हमारी होती है लिक्विडिटी रेशोस एंड दूसरी सॉल्वेंसी रेशो। अभी सॉल्वेंसी में एक रेशो और होती है, वो मैं तुम्हारे को अभी नहीं कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अभी के लिए जस्ट विल स्टिक टू दीज सिक्स रेशियोज। तो अभी तुम इसके क्वेश्चंस करो, कोई भी डाउट हो यू हैव द कमेंट सेक्शन, उसमें कमेंट कर दो एंड मैं उसमें तुम्हें रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, हैव अ गुड टाइम।